आज इस वीडियो में हम गैफी और उसके पापा को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। अरे वाह गैफी, यह चित्र तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ पापा, मैंने ये खरगोश का चित्र बनाया है। आज स्कूल में मैडम ने हमें एक चित्र बनाने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कल वो सभी से उनके बनाए हुए चित्र पर एक कहानी भी सुनेंगी। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। पापा, मैंने चित्र तो बना लिया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल सबको क्या कहानी सुनाऊं। गैफी, मेरे पास एक खरगोश की कहानी वाली किताब है, क्या तुम पढ़ना चाहोगी? हाँ जरूर पापा। चलो मैं तुम्हें यह कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का था रितेश, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता था। उसके पास तीन छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे। रितेश अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था। गैफी, क्या तुम बता सकती हो रितेश के पास कितने खरगोश थे? हाँ, मुझे पता है, तीन। बिल्कुल सही। चलो कहानी को आगे पढ़ते हैं। वह स्कूल जाने से पहले पार्क से हरी भरी कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उनके लिए घास लाता था। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि रितेश कहां से घास लाता था? मुझे पता है, पार्क से। शाबाश गैफी। एक दिन रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं थे। रितेश ने खूब ढूंढा लेकिन उसे अपने खरगोश कहीं नहीं मिले। रितेश उदास हो गया और रोने लगा। उसने रो रो कर अपनी आंखें भी लाल कर ली थी। तुमको क्या लगता है गैफी, रितेश के खरगोश कहाँ गए होंगे और क्यों? मुझे लगता है पापा, रितेश के खरगोश उससे नाराज होकर कहीं चले गए होंगे, क्योंकि वो अपने खरगोशों को घास देना भूल गया था। बच्चों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? चलो कहानी में आगे पढ़ते हैं। रितेश अब पार्क में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा उसके तीनों खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे। रितेश को खुशी हुई और वह समझ गया कि इनको भूख लगी थी, इसलिए पार्क में आए हैं। खरगोशों के मिलने पर वह उन्हें वापस घर ले आया और उनको हमेशा समय पर खाना देने का वादा किया। बच्चों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? रितेश के खरगोश क्या खाते थे? रितेश क्यों रोने लगा था? अपना उत्तर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ ये कहानी सुनाकर साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने रितेश के तीन खरगोशों की एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।